इस चरण छाप में ऊर्ध्व रेखा के साथ सारे 16 चरण चिन्ह। ये तो स्वयं परमात्मा के चरणों की छाप है। कहाँ है वो? प्रणाम। मनुष्य के रूप में आपका दर्शन पाकर आज मेरे आनंद की कोई सीमा नहीं है प्रभु। मेरा रोम रोम हर्षित है प्रभु। कहीं सुना है और शास्त्रों में पढ़ा भी है कि भगवान जब मनुष्य रूप धारण करते हैं तब उन्हें पहचानने का सौभाग्य बहुत भाग्यशाली को ही मिलता है। आज मेरे जन्मों जन्म के भाग्य खुल गए कि आपके प्रत्यक्ष दर्शन हो गए। आपने क्या नाम ग्रहण किया है प्रभु? मेरा नाम है नीलकंठ। नीलकंठ, आप कहां से आए हैं प्रभु? अनिर देश से। ऐसी तो कोई जगह का नाम मुझे याद नहीं प्रभु। मेरी समझ में आए उस तरह से बताइए, कहां से यात्रा आरंभ की, किन किन तीर्थ स्थानों को अपनी उपस्थिति से पावन किया, कहां ठहरे? मैंने आषाढ़ मास में अयोध्या से सरयू पार की और अमरापुर आया। हिंडोला के दिन नारद वन में बिताए और पवित्र एकादशी हरिद्वार में की। तपोवन में जन्माष्टमी का उत्सव मनाया। लक्ष्मण झूला के पास लक्ष्मण मंदिर में उपवित परिवर्तन किया। गणेश चतुर्थी श्रीनगर में, ऋषि पंचमी उद्धव वन में और जल झलनी एकादशी एवं वामन द्वादशी गुप्त काशी में की। त्रियुगी नारायण में पूर्णिमा करके श्राद्ध पक्ष मैंने गुप्त प्रयाग और केदारनाथ में बिताया और नवरात्रि के आरंभ में केदारनाथ से चलकर पहाड़ों को पार करके आज नवरात्रि के नवमे दिन यहाँ बद्रीनाथ आया हूँ। और आपका भाव है इसलिए दीपोत्सव और अन्नकूट उत्सव यही आपके साथ मनाऊंगा। अवश्य प्रभु। सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम् शीत ऋतु में ठंड से बचकर रहने के लिए बद्रीनाथ के लोग भगवान की मूर्ति समेत ज्योतिर्मठ आकर बसते थे। नीलकंठ वर्णी भी उनके साथ ज्योतिर्मठ आए। अहम् ब्रह्मास्मि, अहम् ब्रह्मास्मि, अहम् ब्रह्मास्मि, अहम् ब्रह्मास्मि, अयम् आत्मा ब्रह्मैव, अयम् आत्मा ब्रह्मैव, अयम् आत्मा ब्रह्मैव। ये सब उपनिषद के मंत्रों का अच्छा पाठ कर रहे हैं प्रभु। ये तो हम सब का नित्य क्रम है। इन मंत्रों के रटन से ये सब अपनी आत्मा का ब्रह्म के रूप से अनुसंधान कर रहे हैं। ऐसा उत्तम ध्येय रखते हैं। उसका अर्थ है कि ब्रह्म, आत्मा एवं परमात्मा के स्वरूपों की भिन्नता को वे यथार्थ रूप से समझते हैं। हमने तो ऐसा ही रटन सीखा है।
अहम् ब्रह्मास्मि अहम् ब्रह्मास्मि अहम् ब्रह्मास्मि अहम् ब्रह्मास्मि क्या देख रहे हो बालयोगी? मुझे मानसरोवर जाना है, क्या आप रास्ता दिखा सकते हैं? अभी से रास्ता पूछ के आप क्या करोगे? अरे जब ठंड की ऋतु समाप्त हो जाएगी तब बहुत सारे लोग वहां जाएंगे, उनके साथ चले जाना। मुझे तो अभी जाना है। इस ठंड में? हाँ। मानसरोवर? अरे प्रभु, ऊपर की ठंड तो आग की तरह जलाती है, वहां शरीर का लहू पानी बन जाता है और पानी जमकर पत्थर, और कदाचित उससे बच भी गए तो बर्फ आपको जिंदा गाड़ देगी प्रभु। अरे प्रभु, इस ऋतु में मानसरोवर की ओर जाने के विचार मात्र से भी सब डरते हैं। आप मुझे योगी बुलाते हो ना? हाँ प्रभु। योगी को ना तो प्राणों का भय होता है, ना असफलता का, ना कल का, ना किसी फल का, ना यश का, ना अपयश का। आपका बहुत धन्यवाद कि आप मेरी चिंता करते हैं। प्रभु, ऊपर की ठंड से बचने के लिए कंबल पर्याप्त तो नहीं है, फिर भी स्वीकार कीजिए। खेलने कूदने की उम्र में इतने कष्ट, ऐसी तपश्चर्या, इतनी कठिन यात्रा किस लिए? मेरी यात्रा कल्याण के लिए है। मैं आपसे फिर मिलूंगा। आपके दर्शन की प्रतीक्षा रहेगी प्रभु। Thank you.